केरला का प्रसिद्ध वेज स्ट्यू। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया इडियप्पम बनाने की विधि, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो उसे जरूर चेक कीजिएगा। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी वेज स्ट्यू बनाने की विधि जो कि इडियप्पम के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो जितनी सब्जियां मुझे मिली उनमें से मिलाकर के मैंने वेज स्ट्यू बनाया है। आपके पास अगर और भी सब्जियां अवेलेबल हो, मिल रही हो, तो आप जरूर करके बनाइए। इस रेसिपी के लिए ताजा या फ्रोजन नारियल जरूरी है। शुरू करती हूँ रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधी कटोरी भरा घिसा हुआ गाजर ले लिया है। आप चाहें तो इसे छोटा छोटा भी काट सकते हैं। उसके बाद ले ली दो परवल, इनको भी एकदम छोटे छोटे पीसेस में काट ली। फिर ली पेठा या फिर सफेद कद्दू या एश गार्ड, छिलका पीछे का हटा दिया और बीज और गूदे का हिस्सा भी हटा दिया, और करीब 150 से 200 ग्राम के पीस को मैंने फिर से छोटा छोटा काट लिया इस तरह से। इन सब्जियों के अलावा आप चाहें तो बीन्स, मटर, गोभी, कद्दू, मैंगलोर क्यूकम्बर भी डाल सकते हैं। ली मध्यम साइज का आलू, उसे धो करके छील ली और इस तरह से फिर से छोटा छोटा काट ली। जल्दी 1.5 इंच बराबर अदरक को भी छोटा छोटा काट करके सारी सब्जियों को एक साथ एक भगोने में डाल दी। 2 ग्लास के बराबर पानी मध्यम आंच पर उबलने के लिए छोड़ दी। डाल दी नमक, 1/4 छोटी चम्मच हींग, 2 से 3 इंच बराबर दालचीनी, 2 इलायची के दानों को हल्का सा कूट करके, 10-12 करी पत्ते और 1 से 2 हरी मिर्च। छोड़ दी इन्हें मध्यम आंच पर उबलने के लिए। अब एक मिक्सर जार में डाल दी 1 कटोरी घिसा हुआ ताजा नारियल, आप फ्रोजन नारियल भी ले सकते हैं। साथ में डाल दी 1 छोटी चम्मच बराबर जीरा और 3/4 से 1 कटोरी के बराबर पानी डाल दी। एक स्मूथ पेस्ट बना ली बिना किसी गुठलियों का। अगर आप नारियल का दूध यूज करना चाह रहे हैं नारियल के पेस्ट के बजाय, तो जीरा बिना डाले हुए इसी तरह से पेस्ट बना करके किसी सूती के कपड़े में डाल करके आप नारियल का दूध अलग कर लीजिए। डायरेक्टली इस नारियल के दूध को ही सब्जियों के पकने के बाद उनमें डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे सब्जियाँ एकदम अच्छे से पक चुकी हैं, गल चुकी हैं, तो इनमें मैं डाल दूंगी नारियल का पेस्ट। इस समय में गैस को मैं एकदम धीमी आंच पे कर दूंगी। इडियप्पम के साथ नारियल का दूध भी ले सकते हैं। उसके अलावा वेज स्ट्यू या वेज कुर्मा या फिर हरे मटर की करी बहुत अच्छी लगती है। इसमें डाल दी 1/2 छोटी चम्मच बराबर काली मिर्च, 5-6 करी पत्ते और 2 से 3 बड़ी चम्मच नारियल का तेल। मैंने कोल्ड प्रेस्ड नारियल का तेल यूज किया है यहाँ पे। मिला ली अच्छे से और 10 से 15 सेकंड के अंदर ही इसमें उबाल आने लगता है। तो अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी। इसे ज्यादा देर तक बिल्कुल नहीं रखना है, वरना नारियल का जो दूध इसमें मिला हुआ है पेस्ट के साथ फट जाएगा। तो वेज स्ट्यू अब बन करके तैयार है। इसे खाइए आप गर्मा गर्म इडियप्पम के साथ या फिर अपम के साथ। ये रेसिपी आपको कैसी लगी लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सर्कल में और सब्सक्राइब कीजिए उत्तमम सत्वम चैनल को। हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे की नई वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें।